हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरी गास। पहले बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच। सो या थंबनेल से सबको पता चल गई है, ये वाली वीडियो होने वाली है बोल्ड ग्लैम शॉट ऑफ बर्थडे पार्टी लुक। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन ब्लेंडिंग से स्टार्ट करके फुल लुक इन डिटेल्स में दिखाऊंगी। सो वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, और हाँ कॉमेंट करना मत भूलना, कॉज आई लव टू रीड योर स्वीट स्वीट कॉमेंट्स। ऑल राइट, उफ़ ये गर्मियाँ, कुछ दिनों से थोड़ा बहुत एक्नी ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम दिख रही थी, सो मेकअप से पहले यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस की चारकोल फेस मास्क। इससे स्किन के सारे इम्प्योरिटीज़ डार्ट वगैरह निकल आते हैं और स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके इंस्टेंटली ग्लो प्रोवाइड करते हैं। पैक को 5 से 10 मिनटों के लिए रख के वेट कॉटन से वाइप आउट कर ली। देन माई फेवरेट गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर, सो रिफ्रेशिंग। निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर से फेस एंड नेक को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। फिर वाओ के एलोवेरा जेल, वो कहावत तो सुनी होगी जितनी गुड़ उतनी मीठे। बेसिकली स्किन जितने मॉइस्चराइज रहेगी बेस उतने ही लॉन्ग लास्टिंग ग्लोई डुई बनेगी। ना ही कुछ देर बाद मेकअप केकी दिखेगी, ना ही मेकअप रिमूव करते समय ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होगी। नाउ स्किन में सब कुछ एब्जॉर्ब होने दो। स्किन को प्रेप होने के लिए वेट करूँ 5 से 10 मिनट्स? नो, टाइम को यूटिलाइज करके तब तक आईब्रोज को फिल कर लेते हैं। फेसेस कनाडा आईब्रो एंड मस्कारा ब्रश से आईब्रो को कोम कर लूँगी। देन आईब्रो को शेप देने के लिए बस अपर लाइन एंड लोअर लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी डुओ पाउडर एंड आईब्रो जेल से। अब क्या, बस गैप को ही भरना है। वेट एंड वाइल आईब्रो पैलेट की लाइट ब्राउन सेट को टेल से फिल करते हुए मिडिल पे एंड जो भी बची कुची पाउडर है लास्ट में उससे फ्रंट को फिल कर ली। इवन ब्लेंडेड लुक देने के लिए एक और बार कोम कर लो। अब नीट क्लीन आईब्रोज के लिए आईब्रोज के अराउंड एंड ऑफ कोर्स आईलिड पे भी, कॉज मेरे आईलिड थोड़ा पिगमेंटेड है, फ्लैट ब्रश से फिट मी फाउंडेशन को लेके डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करते हुए सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। स्टेक और की सिलिकॉन बेस प्राइमर से फुल फेस स्पेशली टी जोन एंड ऑल्सो नेक एरिया को प्राइम कर लूंगी। प्राइमर ओपन पोर्स, फाइन लाइन एंड रिंकल्स को बहुत ही अच्छे से स्मूथन आउट कर देते हैं। फाउंडेशन के लिए यहाँ फिट मी 128 एंड लैक्मी इनविजिबल 02 मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अभी देख के कुछ लोगों को सफ़ेद भूतनी नजर आएगी, बट कोई नहीं, मेकअप की एंड तक सब अच्छे से बैठ जाएगी। एंड एक और बात कमेंट सेक्शन पे आ रही कुछ दिनों से, फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है क्या? मेरे चेहरे एंड गले में डिफरेंट दिख रही है। लग भी सकते हैं यार, मेरे रिंग लाइट फोकस मेरे चेहरे पर और बेचारे मेरे नेक यहाँ तो शैडो क्रिएट हो जाते हैं। सो मे बी इस कारण से, शायद वीडियो के लिए जब मेकअप करती हूँ गले के साथ ज़्यादा ही कंजूसी कर देती हूँ। बाय द वे चोक सपाट, कानों के आसपास, हेयर लाइन, नेक एरिया पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना कभी ना भूले। अंडर आई, नोज कॉर्नर पे वेट एंड वाइल कंसीलर सेट लाइट मीडियम बेज से कंसील कर लूँगी। वन ऑफ माई फेवरेट इनसाइड डुओ स्टिक से फेस को शेप देने के लिए कट कर रही हूँ। वैसे सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके सेट है 03 चॉकलेट। चीक की कंटूरिंग को हमेशा हेयर लाइन की तरफ एंड जॉ लाइन की नेक की तरफ, वैसे ही नोज की साइड लाइन डायरेक्शन में एंड फॉरहेड की अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करनी है। फिट मी लूज पाउडर सेट 30 मीडियम डीप एंड इनसाइड बनाना पाउडर को मिक्स करके वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करते हुए अंडर आई, माउथ एरिया, चीक को सेट कर रही हूँ। फिर एक्सेस पाउडर को ब्रश से क्लीन कर दूंगी। NYB 5-in-1 न्यूट लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज कर रही हूँ। अगेन एक फ्लफी ब्रश से ब्लेंड कर ली। वाओ,
nice color. Then Swiss Beauty setting spray, smell kind of Coca-Cola flavor type. Makeup ko fix kar lungi, garmiyon ke time fixer necessity, birthday hai, to preparation to long time ke liye chalegi. Next, my favorite part inside highlighter, high up cheekbone, tip of nose, bridge of nose, chin pe bhi apply kar lenge. Birthday girl hai bhai, thoda to disco ball ke tarah chamakna chahiye. तो इन कलर इंस्टेंट ग्लो सिमर विक को भी यूज़ कर रही हूँ. वाह क्या ग्लो है. ऑल्सो इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेंगे. अब आते हैं आई मेकअप की ओर. तो मैं अपने ड्रेस से मैच करते हुए काइंड ऑफ ग्रीन स्मोकी आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ. तो पहले आईलिड पे एलिटिन की काजल अप्लाई कर रही हूँ. देन फ्लैट ब्रश से इससे स्मच कर लूँगी. फिर वेट एंड वाइल आई शैडो पैलेट से इस ट्रांजिशन कलर को क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी. ग्रीन स्मोकी आई लुक है. सो एसएफआर की ट्रस्ट माई लक ग्रीन थीम पैलेट यूज़ कर रही हूँ. सो ये डार्क ग्रीन कलर को फास्टली आईलिड पे प्लेस करके ब्लेंड कर लूँगी. देन ये ऑलिव ग्रीन कलर को मिडिल ऑफ आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ. एंड इस ब्राउन सेट को लोअर लेस लाइन पे ब्लेंड कर दूँगी. बेला भोस्टी की आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ फॉर क्रिएटिंग अ विंग लाइनर. सी इस टाइप की लाइनर मेरे फीचर को इन्हेंस कर देते हैं. आई लव दिस टाइप ऑफ लाइनर, क्वाइट कम्फर्टेबल. एन वाई पे व्हाइट काजल को वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट मेबलिन न्यूयॉर्क लेस सेंसेशनल वाटर प्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ. एंड बेसिकली मैं लोअर लेस लाइन पे दो तीन कोट अप्लाई करूँगी. कॉस अपर पे तो फॉल्सेस पहनूंगी. लिपस्टिक मैंने दो सेट यूज़ की है. फर्स्ट वन इनसाइड 11 कॉफी कॉमन एंड सेकेंड वन मार्क्स एंड हैक्स 12. कंप्लीट लुक वालों को थोड़ा सा सेट करेंगे. सिंपल दो मिनट वाले हेयर डूस करूँगी, नहीं तो केक कोई और कट करके चला जाएगा. साइड मंग बना के दोनों तरफ से ही छोटे छोटे थ्री हेयर स्टैंड लेके ट्विस्ट एंड टर्न करके बॉबी पिन से टक इन कर ली. अब ज्वेलरी पहन के रेडी. केक कहाँ है, केक ढूंढो. सो या दिस इज इट गाइस, होप यू एंजॉय दिस लुक. अभी तक देख रहे हो तो कमेंट और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, करो. और मैंने नहीं भूली, सारे प्रोडक्ट के लिंक बराबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी. सो तुम भी ना भूलो सब्सक्राइब बटन हिट करने में. अरे कर तो रहे हो ना, तो पास की बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, नहीं तो नोटिफिकेशन तुम मिस कर दोगी. स्टे गॉर्जियस, बाय, हैप्पी होली गाइस. This man was so pleased with design. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.